सरकार दरबार महबूब इलाज में जनाब इंद्रेश कुमार जी ने कंबल भेजे हैं जो तकसीम किए जाएंगे। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इंद्रेश जी को सेहत सलामती अता फरमाए, उम्र दराजी अता फरमाए, उनको खुशी अता फरमाए। इस सर्दी के मौसम में भाई साहब ने तमाम ज़रूरतमंद लोगों के लिए यह कंबल दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन मैं और डॉक्टर इमरान चौधरी और फैज साहब हमारे संयोजक बिलाल रहमान साहब दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन भी लेकर आए और उसके साथ हमने दरगाह मटका पीर पर भी दरगाह हज़रत मटका पीर पर भी ये कंबल दिए हैं। तो यहाँ देश की अखंडता एकता और तरक्की के लिए और भाई साहब की उम्र दराजी और भाई साहब की सलामती के लिए ये हम लोग ये कंबल जगह जगह पूरे दिल्ली में हम लोग बांट रहे हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच दिल्ली प्रदेश की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम। आज महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और हज़रत अमीर खुसरो के आस्थाने पर हाजिर होकर के गरीब लोगों के लिए जो हम तकसीम इस ठंड के मौसम में कंबल तकसीम कर रहे हैं, ये खिदमत के जज्बे से यहाँ ला कर के हमने इस आस्थाने से भी ये मैसेज देने की कोशिश की है कि खिदमत करते जाएँ, क्योंकि खिदमत से ही हमेशा खुदा मिलता है, इबादत से जन्नत मिलती है, तो खिदमत से खुदा मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलाल रहमान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से आज ख्वाजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह पे हाजिर हूँ और यहाँ तमाम जो लोग हैं जो पूरे हिंदुस्तान से आते हैं सर्दियों में ठिठुरते हैं, उनके लिए मंच की तरफ से, भाई साहब की तरफ से, सब लोगों की तरफ से कंबल वितरण का एक कार्यक्रम हमने चलाया है और आप लोगों से दुआ करते हैं कि कामयाबी हो और हम सबको सवाब मिले। के लिए हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने इस नेक काम को करने के लिए हम सबको जरिया बनाया है। हमारे मार्गदर्शक माननीय इंद्रेश कुमार जी के मार्गदर्शन में दिल्ली प्रदेश की पूरी टीम, डॉक्टर इमरान चौधरी साहब, हाफिज साबरी साहब, बिलालुर रहमान साहब और सभी के मेहनत से और एक अल्लाह ने जो हमें जरिया बनाया है, पूरे दिल्ली में ये कंबल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में आज हम यहाँ आए हुए हैं। अल्लाह हमको इस रास्ते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबसे ऐसे ही नेक काम लेते रहे। आमीन।